अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बात शुरू करने से पहले बोलूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। अच्छा बता दूं, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है आप लोगों को। अक्सर ऐसा होता है कि मेरे व्यूवर्स जो है मतलब वीडियो को आगे बढ़ा बढ़ा के देख रहे होते हैं, यार जल्दी से जो है ना हम सुन लें कि यार क्या बात बोली होगी, ठीक है ना। तो बात को आप पूरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इत्मीनान से सुनिएगा तो ही मुझे मज़ा आएगा। और उसके बाद सबसे पहले मैं जो है आप सब लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मुझे इतनी सपोर्ट कर रहे हो। मैं तकरीबन समझ लें कि बिल्कुल मंजिल के करीब पहुंच चुका हूं, तकरीबन समझ लें पहुंच चुका हूं, बस चंद कदम का फासला है। तो आप लोगों की जो मतलब मेरे लिए हमदर्दी है, सपोर्ट है आप लोगों की, मुझे थोड़ा सा जो है और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ी सी और मतलब सपोर्ट दें आप मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेंबर्स के अंदर जो है मेरे लिंक को शेयर करें। अच्छा, बीफ मीट, चिकन मीट, मतलब हलाल जो भी मीट है मैं आपको उसके बारे में इंशाल्लाह ताला बताता रहूँगा। अब जैसा कि सर्दियाँ आ रही हैं, आपको मालूम है सर्दियों के अंदर मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं मछली खाने के शौकीन होते हैं, बहुत से होते हैं सिरी पाए खाने के शौकीन होते हैं। अब आप लोग किन चीज़ों के शौकीन हैं ये आप लोग मुझे ज़्यादा बेहतर तरीके से ख़ुद बता सकेंगे, मैं नहीं बता सकता। अच्छा, इंशाल्लाह ताला अभी दो चार दिन के अंदर जो है हो सकता है कि मैं फ़िश मार्केट का विज़िट करूं और उसके अंदर आप लोगों को मैं ताज़ी मछली की पहचान बताऊंगा, ताज़ी की मछली की पहचान बताऊंगा और कौन सी मछली खाने में ज़्यादा जायके वाली है इस बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। फिर उसके बाद ये भी बताऊंगा कि वो कौन सी ऐसी मछली है जिसको खाने से अगर दूध पी लिया जाए तो बर्स की बीमारी हो जाती है, वो भी आप लोगों को इंशाल्लाह ताला बताऊंगा। फिर उसके बाद सिरी पाए के बारे में भी बताऊंगा और सिरी पाए की मार्केट के अंदर आपको लेके चलूंगा इंशाल्लाह ताला, मार्केट का पूरी मार्केट का आपको विजिट करवाऊंगा, सिरी पाए किस तरीके से बनते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सर्दियों की बहुत अच्छी डिश है, सिरी पाए हो गया, फिश हो गई, मछली हो गई। जो मीट के लवर्स हैं, जो मीट के लवर्स हैं ये बातें सिर्फ उनको ही मालूम होंगी कि इनमें कोई ना कोई ख़ास बात होगी जो मीट के लवर्स हैं। और जो मीट नहीं खाते, मेरा उनसे मेरी उनसे गुजारिश है कि एक बार मीट चक्कर देखें, इंशाल्लाह ताला बहुत मज़ा आएगा। अच्छी चीज़ें सब्जियां खाना, दालें खाना अच्छी चीज़ है, लेकिन बिल्कुल ही अगर मीट से बाइकाट कर देते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी अपनी नज़र के अंदर है, बहुत सारे ऐसे लोग जिन लोगों ने मीट से बाइकाट किया हुआ है वो सिर्फ सब्जियां खा रहे होते हैं या तो फिर जो है अपना मछली खा रहे होते हैं, नहीं सॉरी मछलियाँ कह रहा हूँ, या तो फिर दाल खा रहे होते हैं, मतलब मीट नाम की कोई चीज़ खाते ही नहीं है, कहने का मकसद ये। तो कहने का ये है कि इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा जो है मीट आप लोग लाजमी खा के देखिएगा, जो लोग नहीं खाते हलाल मीट जो खाते हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ हलाल मीट खा कर देखिएगा इंशाल्लाह ताला, चिकन मीट, बीफ मीट, फिश मीट, मटन मीट, इस तरीके की। अच्छा, यह हो सकता है अभी जब थोड़ी सी, वैसे तो कराची के अंदर इतनी ज़्यादा सर्दी आती नहीं है, अगर थोड़ी सी ज़्यादा सर्दी हो गई तो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को जो है ना खरगोश काट के उसकी अच्छी सी डिश बनाकर दिखाऊंगा, मतलब मैं खुद नहीं बनवाऊंगा, मैं खुद नहीं बनाऊंगा लेकिन बनवाऊंगा, लेकिन काटते हुए लाइव इंशाल्लाह ताला आप लोगों को दिखाऊंगा खरगोश काटते हुए किस तरीके से खरगोश काटा जाता है। और सर्दियों के लिए वाकई में मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा मुफीद है, गर्म होता है थोड़ा सा ना तो मज़ा आता है उसको खाने में। दूसरा अपना, आज क्रिकेट मैच भी है, इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है ना उसके अंदर जो है ना एक ऑटोमेटिकली जो है ना मतलब खलबली मची हुई होती है आवाम के अंदर, इंडिया की आवाम में एक अलग खलबली होती है, पाकिस्तान की आवाम में एक अलग खलबली होती है कि कौन जीतेगा। अब भाई मैं तो एक बात ये बोलूँगा कि भाई जो
जो अच्छा खेलेगा, जिसमें काबिलियत होगी जीतने की, इंशाल्लाह ताला वो जीतेगा। ये गेम है, खेल है, हार जीत का हिस्सा है ये। क्या पता इंडिया जीत जाए, क्या पता पाकिस्तान जीत जाए, लेकिन जो भी जीते, बस हमारे दिलों में नफरतें नहीं होनी चाहिए, मोहब्बतें होनी चाहिए, चाहे वो इंडिया वाले हों, सुन ले मेरी बात इंडिया वाले, और चाहे वो पाकिस्तान वाले हों, वो भी कान खोल के सुन ले। हम लोग लड़ाई झगड़ा फसाद नहीं चाहते, एक गेम है, हिस्सा है गेम का, कोई भी जीत सकता है। बस दुआ करें, इंडिया वालों से बोलूँगा आप अपनी टीम के हक में दुआ करें, हम पाकिस्तानी हैं, हम अपने पाकिस्तानी टीम के हक में दुआ करेंगे, या अल्लाह पाक हमारी टीम को जितवा दे। हर बंदा चाहता है, हर मुल्क चाहता है कि उसका पार्टनर, उसका जोड़ीदार, उसका टीम मेंबर या उसका मुल्क, कोई भी हो, एक्स वाई जी, हर बंदा ये चाहता है कि यार जीत हमारी हो। पर मेरी भी कोशिश है और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जीतेगा, इंशाल्लाह ज़रूर जीतेगा। बस इतनी सी बात कहनी थी आप लोगों से मुझे। मीट के हवाले से तो तकरीबन मैंने बोल दी है, और आप लोगों ने जो है तकरीबन देख ली हैं, अब बहुत ज़्यादा जो है मीट के हवाले से बातें हो गई हैं, तो अब इंशाल्लाह थोड़ा सा डिफरेंट किस्म के ऊपर आते हैं, डिफरेंट चीज़ों के ऊपर आते हैं। इंशाल्लाह ताला मैंने जैसा कि अभी पीछे कहा आप लोगों से कि फ़िश मार्केट और सिरी पाई की मार्केट, इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को वहाँ का विज़िट करवाऊँगा, और फ़िश मार्केट के अंदर तो बल्कि मैं आप लोगों को ये बताऊंगा भी कि कौन सी मछली ताज़ी है, कौन सी खानी चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, जाने से पहले एक बार फिर बोलूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।